करूंगा। 11th बायोलॉजी की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऊतक, ऊतक के प्रकार और उपकला ऊतक का अध्ययन किया था। आज हम प्राणियों में संरचनात्मक संगठन के अंतर्गत संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक का अध्ययन करेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पढ़ते हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक बहुतायत में और इसका रूप बहुत विस्तृत है। शरीर के ऊतक को अन्य अंगों से जोड़ना तथा उसको क्या देना, आलंबन या आधार प्रदान करना संयोजी ऊतक का प्रमुख कार्य है। संयोजी ऊतक जो होते हैं वो अगेन थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला लचीले संयोजी ऊतक, दूसरा सघन संयोजी ऊतक और तीसरा है विशिष्टीकृत स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक। यहाँ पर आप सुधार के लिखे हुए इसको अगेन अगर हम देखें तो संयोजी ऊतक दो प्रकार के, प्रॉपर और स्पेशलाइज। प्रॉपर है मुख्य रूप से मूल रोटाइल्स यानी लचीले संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक और स्पेशलाइज संयोजी ऊतक में आते हैं बोन, बोन में आते हैं स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट, फिर आता है ब्लड और इसमें कार्टिलेज उपास्थि में आता है इलास्टिन, आयरन और फाइब्रोमायलेज। ये इसका विस्तृत वर्गीकरण है। पहले पढ़ते हैं हम लचीले संयोजी ऊतक। लचीले मतलब फ्लेक्सिबल, इसमें कोशिका प्लस तंतु दोनों मिलकर किससे जुड़े रहते हैं, अर्ध तरल आधारित पदार्थों से जुड़े रहते हैं। इसका उदाहरण है त्वचा और ग्रंथि का ऊतक। दूसरे में क्या होता है, तंतु पोरक जो होते हैं वो महाभक्षिकाणु और मास्ट सेल आपस में मिले रहते हैं। तीसरे प्रकार में क्या होता है, दूसरा शिथिल ऊतक में आता है जो वसा होता है, जो त्वचा के नीचे किसका कार्य करता है, वसा संग्रहण का कार्य करता है, एडिपोज टिश्यू जो वसा के संग्रहण का कार्य करता है ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशन में एनिमल के काम आ सके। अब आता है सघन संयोजी ऊतक। सघन संयोजी ऊतक में क्या होता है, तंतु और तंतु कोशिका दोनों दृढ़ता से जुड़े रहते हैं, कंटिन्यूअसली अटैच रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। इनके प्रकार है नियमित संयोजी ऊतक और अनियमित संयोजी ऊतक। अब नियमित संयोजी ऊतक जो है जो कंजराएं लेकर आती है हमें बॉडी में, कंकाल पेशी किससे जुड़ जाती, अस्थि से। जो स्नायु होते हैं हम उसको जोड़ते हैं अस्थि को, अस्थि से जोड़ते हैं। अनियमित संयोजी ऊतक में क्या होता है, तंतु यानी फाइबर जो है वो कोलेजन, तंतु किससे जुड़ा रहता है, कोलेजन से। और ये कोलेजन वाले तंतु में स्ट्रक्चर कहाँ पाया जाता है, त्वचा, ताकि इलास्टिसिटी उसकी मेंटेन रहती है बॉडी की कोलेजन प्रोटीन के कारण। के बाद देखते हैं विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, उसमें आते हैं उपास्थि, अस्थि और रक्त। उपास्थि जो होती है उसमें अंतरकोशी बाधा ठोस होता है, विशिष्ट आनंद होता है, संपीड़न रोधी होता है। उपास्थि पहले कशेरुक मूल में होती है, बाद में धीरे धीरे वयस्क में नाक की नोक और बाहर कान और हाथ पैरों में पाई जाती है। धीरे धीरे स्ट्रेटिफिकेशन होने से उपास्थि किसमें कम पड़ जाती है, वयस्क में अस्थि में हो जाती है। लेकिन कुछ स्थान ऐसे जैसे नाक की नोक है, बाल कर्ण, ये कर्ण बाहर लाते हैं, जड़ स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये भी क्या है, उपास्थि है। हाथ पैरों में भी उपास्थि में संरचना पाई जाती है। अब इसके जैसे अस्थि, अस्थि में क्या होता है, खनिज ठोस युक्त संरचनात्मक ढांचा रहता है और इसमें मुख्य रूप से खनिज क्या रहता है, कैल्शियम की उपस्थिति पाई जाती है, कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस। और भी मिनरल्स पाए जाते हैं तो मुख्य रूप से कैल्शियम फास्फोरस इसमें पाया जाता है। इसके बाद आता है तीसरा विशिष्ट संयोजी ऊतक का नाम है रक्त। रक्त तरल संयोजी ऊतक है, ये एक ऐसा ऊतक है जिस अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड स्टेज। लिक्विड स्टेज में जो पाया जाता है वो रहता है प्लाज्मा और इस प्लाज्मा के अंतर्गत कणिका रूप में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तरल बनती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है, आप देखेंगे रक्त तरल संयोजी ऊतक है। रक्त की संरचना आप 10वीं में बड़ी भांति पढ़ चुके हो और यहाँ पर संयोजी ऊतक के भिन्न भिन्न जो सेल्स हैं उसको इस डायग्राम्स में प्रेजेंट किया है, आप इनको अपने नोटबुक में अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए।
होता है पेशी ऊतक, मस्कुलर, मसल बोलते हैं, देखो मेरी मसल। तो मसल में क्या होता है, अनेक लंबे बेलनाकार तंतु रेशेबद्ध संरचनाएं पाई जाती है। ये तीन प्रकार के होते हैं, कंकाली पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। तो कंकाली पेशी जो रहती है वो अस्थि से जुड़ी रहती है, उसमें धारियां पाई जाती है। कैसे पाई जाती है, इसमें धारियां पाई जाती है, इसको स्ट्रिप्ड मसल भी कहते हैं इस प्रकार। और ये ऐच्छिक पेशियां भी कहलाती है। ऐच्छिक पेशी मतलब हम अपने अपनी इच्छा से हाथ और पैरों को हिलाते हैं, करते हैं ना, इसको ऐच्छिक मसल भी कहा जाता है। क्यों, ये इसमें हमारी इच्छा कार्य करती है। उसके बाद आता है चिकनी पेशी, जिसको हम अनैच्छिक होती है, मतलब ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है, स्वतः कार्य करती रहती है। तीसरी होती है हृदय पेशी, जो हार्ट में पाई जाती है, जो लगातार गति करती रहती है। ये भी कैसी है, अनैच्छिक है, इसमें भी हमारी इच्छा कार्य नहीं करती है। अगर हम कंकाली पेशी या इसके लगन मसल की बात करें, तो ये कैसी होती है, स्ट्रेटेड होती है, स्त्रीकृत होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, फाइबरस होती है, यूजुअली अटैच्ड टू स्केलेटन अर्थात अस्थि से जुड़ी रहती है, वॉलंटरी यानी ऐच्छिक मसल होती है। दूसरी आती है स्मूथ मसल या चिकनी पेशी, है स्पिंडल शेप्ड रहती है, नॉन स्ट्रेटेड, में उसमें धारी नहीं पाई जाती, यूनिन्यूक्लिएटेड फाइबर्स होते हैं, अगर से वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन तेरी आंतरिक अंग है उसमें ये पाई जाती है। इट इज इनवॉलंटरी, अनैच्छिक है, इसमें हमारी इच्छा काम नहीं करती, स्वतः कार्य करती रहती है। तीसरी है कार्डियक मसल, जो है स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटेड ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड फाइबर्स होते हैं, अगर इन वॉल्स ऑफ हार्ट हृदय की दीवारों में पाई जाती है। इट इज ऑल्सो इनवॉलंटरी अर्थात ये भी अनैच्छिक है। अगेन यहाँ पे फिर से स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल का डायग्राम लिया है, आप इनको नोटबुक में जरूर बनाइए। अब आते हैं तंत्रिका। आपको स्पर्श अनुभूति संवेदना जो होती है वो किसके माध्यम से होती है, वो ऊतक है, तंत्रिका ऊतक। सोचने समझने की जो प्रेरणा है उससे मिलती है, तंत्रिका ऊतक के माध्यम से मिलती है। और जो मनुष्य है, मनुष्य में तो तंत्रिका ऊतक सबसे ज्यादा डेवलप होता है, जो कि ब्रेन से होते हुए मेरुरज्जु तक जाता है, और वहां से अनेक तंत्रिका निकलती हैं जो हमारे सभी अंगों तक व्याप्त होती है। तो यह समस्त शरीर के अंगों के मध्य विद्यमान रहता है, समन्वय का कार्य करता है, प्रेरणा का काम, अनुभूति का काम, और उसकी जो इकाई होती है वो क्या कहलाती है, न्यूरॉन कहलाती है। अब हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र की इकाई है वो न्यूरॉन। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक मल्टी ब्रांच टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे, जिसके बीच में क्या है, न्यूक्लियस मौजूद है, सेल बॉडी है, और ये ब्रांच है, यहाँ पे ये ब्रांच वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं डेंड्राइट्स। ये क्या है, डेंड्राइट्स है, क्यों ये, क्योंकि ताकि ये सिनेप्सिस बना के किसी दूसरी सेल से जाके अटैच हो जाए। इसका एक हिस्सा लंबा बनाता है जिसको कहते हैं एक्सॉन, एक्सॉन के ऊपर मायलिन शीथ का आवरण होता है, और अगेन यहाँ पर एक्सॉन टर्मिनस पाए जाते हैं, नोड ऑफ रेनियर प्रेजेंट होती है, और ये आपस में एक दूसरे से अटैच करते हैं और तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। बच्चों ये था प्राणियों में संरचनात्मक संगठन के अंतर्गत ऊतक संबंध का वर्णन। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ जो जीव हैं उनके आकार की और एनाटॉमी का अध्ययन करेंगे। थैंक यू बच्चों।